अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन का एक्सरसाइज नंबर 2। इसके टोटल मार्क्स जो है वो 10 हैं और इसकी जो आखिरी डेट है वो 25 अगस्त 2022 है। ठीक है, आपने जो है असाइनमेंट एमएस वर्ड की फॉर्म में सबमिट करवानी है और इसका लर्निंग आउटकम क्या है। इसका यह है कि लर्न द बेसिक फीचर्स ऑफ हीलियम 10। आपको हीलियम 10 के जो बेसिक फीचर्स है उसका आइडिया हो जाएगा और लर्न अबाउट गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स के बारे में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा एज ए वी है जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे और किस तरीके से आपको गूगल ट्रेंड हेल्पफुल कर सकता है। नंबर 3, लर्न विच टूल्स आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्ट रिसर्च एंड प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, कौन से टूल्स जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च और हंटिंग के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू राइट वन और टू लाइन आंसर ऑफ इच क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इसमें इतना कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में आपको स्क्रीनशॉट कहा गया उसका आपने स्क्रीनशॉट देना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन टोटल। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं व्हाट इज ब्लैक बॉक्स ऑन हीलियम 10 और क्यों यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सेरेब्रो ऑन हीलियम 10 और ये क्यों यूज़ होता है। और नंबर 3, व्हाट इज मैग्नेट ऑन हीलियम 10 और ये एज ए अमेज़ॉन सेलर किस तरीके से हमारे हेल्पफुल हो सकता है, ये भी थ्योरी है। और वाई वी यूज़ गूगल ट्रेंड्स, हम गूगल ट्रेंड क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को थ्योरी डिफेंड करनी है, 2-2 मार्क्स की है, 3-4 लाइन में डिफेंड कर देगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में है कुछ 3 कीवर्ड्स दिए गए नीचे, इसमें पहला है क्लोरीन, दूसरा है स्विमिंग पूल और तीसरा है स्केटबोर्ड। ठीक है, और इसमें से आपने कोई से भी एक कीवर्ड्स लेके आपने इसको सर्च करना है और बताना है, एक्सप्लेन करना है अपने वर्डिंग में ये ट्रेंड कर रहे हैं गूगल पे या नहीं, आप ये गुड है या नहीं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है और ये भी 2 मार्क्स का है। तो टोटल ईच 2 मार्क्स यानी कि 10 मार्क्स का आपका ये असाइनमेंट है। तो अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो मैंने ऑलरेडी ये रिज्यूम कर लेता हूँ इसको मैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैक बॉक्स ऑन हीलियम 10 एंड व्हाई वी यूज इट। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स हीलियम 10 में क्या होता है। तो देखें, ब्लैक बॉक्स हीलियम 10 में जो है यूज़र को अलाउ करता है स्कैन द एंटायर अमेज़न मार्केट प्लेस बाय यूजिंग वेरियस फिल्टर। ठीक है, हीलियम 10 जो है एक टूल है, एक ब्लैक बॉक्स यानी ब्लैक बॉक्स एक टूल है, उसके अंदर एक ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर वेरियस ऑप्शन होते हैं यानी कि वेरियस फिल्टर्स कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, एक प्रोडक्ट के अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं उसके मजीद फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं वो। विथ ब्लैक बॉक्स हीलियम 10 अमेज़न प्रोडक्ट फाइंडर एंड प्रोडक्ट रिसर्च टूल। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंडर में आपको हेल्प करता है, प्रोडक्ट रिसर्च में आप लोगों को हेल्प करता है। बिकॉज सर्च पर प्रोडक्ट कैटेगरी, आप प्रोडक्ट कैटेगरी करके आप सर्च कर सकते हैं एस्टिमेट मंथली सेल्स रेवेन्यू, उसकी एस्टिमेट मंथली सेल्स कितनी है भी आप चेक कर सकते हैं, उसकी प्राइस, उसका वेट, उसकी इवन के रिव्यू रेटिंग क्या है उस प्रोडक्ट की, आप बहुत ही डीपली जाके आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है इसके अंदर एंड मच मोर। ठीक है, बहुत से फीचर्स होते हैं इसके अंदर, बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके सर्चिंग करते हैं आपकी, तो एज ए वी ए बहुत हेल्पफुल कर सकता है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं विच यू कैन रिड्यूस हॉर्स फॉर मैनुअल रिसर्च इन 2 सेकंड। ठीक है, ना कि आप अगर मैनुअल रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, तो वही चीज़ आप लोग को विद इन सेकेंड्स में आप लोग सर्च करके दे रहा है। तो ये है इंपॉर्टेंस ब्लैक बॉक्स की हीलियम 10 के अंदर। ठीक है, अब वो आगे कह रहे हैं कि व्हाई ही यूज इट, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे बेसिकली आप जैसे कि आप लोग को यहाँ कहा गया है कि आप लोगों को पूरी सर्चेज जो है वो विद इन अ सेकेंड में आपको दे देते हैं, तो उसका मतलब क्या हो, रिड्यूस हॉर्स फॉर मैनुअल रिसर्च इन 2 सेकंड। ठीक है, तो आप लोगों का जो हॉर्स हैं, जो घंटे हैं जो आप स्पेंड करते हैं सर्च करने में, वो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इतना पावरफुल सर्च इंजन कह सकते हैं इसको आप, कि टूल्स फिल्टर इतने पावरफुल हैं कि आप लोग का टाइम वेस्ट होने से बचा लेते हैं। ठीक है, नैरो डाउन ऑन योर विनिंग प्रोडक्ट विद अनबिलीवेबल स्पीड। ठीक है, यानी कि विनिंग प्रोडक्ट यानी पैसा वी है प्रोडक्ट हंटिंग अगर आप लोगों को करनी हो तो एक विनिंग प्रोडक्ट आप लोगों को ढूंढ के दे सकता है ये। ऑल दिस टेक इज अ फ्यू क्लिक। ठीक है, फ्यू क्लिक पे आप लोगों को एक विनिंग प्रोडक्ट दे सकता है। ठीक है, मल्टी फैक्टर एल्गोरिथम होता है इसके अंदर, इसके ऊपर मैंने बात की, वर्किंग हार्ड टू डिलीवर योर सर्च रिजल्ट इन अ सेकंड। ठीक है, जो आप वर्क हार्ड करेंगे वो सारा डिलीवर कर देगा आपको सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 क्या, व्हाट इज सेरेब्रो ऑन हीलियम 10 एंड व्हाट आर देयर यूजेस। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट इज सेरेब्रो ऑन हीलियम 10 में क्या होता है। ठीक है,
ठीक है, हीलियम 10 सेरेब्रो इज अ रिवर्स एसन रिसर्च टूल डेट यू कैन यूज टू लुक अप अ प्रोडक्ट अमेजॉन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन नंबर एसन एंड देन एग्जाम द कीवर्ड यूज फॉर डेट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग जो है वो प्रोडक्ट के एसन डालते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के एसन आप लोगों ने लास्ट असाइनमेंट में किया था, क्या है ये समझ लगे कि आपका NIC जैसे होता है, NIC कभी भी पूरे पाकिस्तान में किसी का सेम नहीं हो सकता। सिंपली प्रोडक्ट का भी एसन होता है, ID कार्ड नंबर होता है, वो किसी का भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हीलियम 10 सेरेब्रो में क्या होता है, आप एसन डालते हैं, तो एसन के जरिए क्या होता है, उसका जरिए जितने भी प्रोडक्ट में कीवर्ड इस्तेमाल किए गए होते हैं वो सब कुछ आप लोगों को सर्च कर देता है। ठीक है, एग्जाम द कीवर्ड यूज फॉर डेट प्रोडक्ट जो उस प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए गए हैं। द टूल कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन स्टडिंग योर कंप्यूटर एनालिसिस। ठीक है, कंप्यूटर एनालिसिस। ठीक है, फॉर लेट सपोज मैंने अगर एक सेलफोन अपलोड किया है तो मेरा कंप्यूटर में उसने वही सेलफोन डाला होगा, तो उन दोनों को कंपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल कर सकता है। यानी कि अगर आप एक मार्केट में सेल कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो वही चीज़ जो आप के नेबर या जो भी आपके सामने वाला सेल कर रहा है, तो आप ज़रूर जज करते हैं कि उसकी कितने सेल हो रही है, दोनों के आइटम सेम है तो उसके ज़्यादा सेल हो रहे हैं मेरे, तो कंप्यूटर एनालिसिस करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल करता है। ठीक है, एंड द कीवर्ड्स दे आर यूजिंग, और कीवर्ड्स कौन से वो यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो भी आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में, तो ये इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूजिंग एंड दे हैव अदर लॉट्स ऑफ फिल्टर ऑप्शन। ठीक है, और उसके अंदर से मेन मतलब तो इसका यही होता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर लॉट ऑफ और भी फिल्टर्स ऑप्शन होते हैं, लाइक सर्च वॉल्यूम कितना है इसका, ये सेरेब्रो IQ स्कोर क्या है, पोजीशन रैंक क्या है, व्हाट काउंटर्स क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डीप में जाके आप लोगों को ये बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये, और ये इसलिए चलते हैं इसका यूज क्यों होता है। ठीक है, तो सेरेब्रो अलाउज यू टू क्रिएट अ सेट ऑफ रेंज फॉर कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। ठीक है, तो आप लोगों को कीवर्ड्स यानी कि किससे यूज़ होते हैं, आप लोगों सेट ऑफ रेंज फॉर कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे कीवर्ड सर्च करके दे देगा, और मे बी इनका वॉल्यूम भी कितना सर्च वॉल्यूम है इसका, हाई या लो है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मे बी यू ओनली वांट टू सी कॉमन कस्टमर सर्चेस। ठीक है, आप चाह रहे हैं कॉमन कस्टमर का शो करें, वो भी आपको शो कर देगा, और मे बी इंस्टेड यू वांट टू लुक एट द रेयर सर्च टर्म, दिस विल अलाउ यू टू नैरो द रेंज टू 30। ठीक है, यानी बहुत ही नैरो कर देगा। आप चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर मुझे इस एरिया का यानी इस प्रोडक्ट में किस कीवर्ड का मैंने टारगेट किया है, तो बिल्कुल ही नैरो आप डाउन करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इसके हैं यूजेस। ठीक है, आप मजीद नेट पर सर्च करना चाहें इसको आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या होता है इसका, ये ऐसे नज़रिए सर्च होता है, और क्यों होता है सर्च, ताकि आप अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स निकाल सकें। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट कर सकें मजीद इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मैग्नेट ऑन हीलियम 10 एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर अमेजॉन सेलर्स। ठीक है, तो व्हाट इज मैग्नेट ऑन हीलियम 10, तो हीलियम 10 मैग्नेट इज अ कीवर्ड रिसर्च टूल डिजाइन टू एस अ सर्च फॉर हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स। यू कैन यूज 10 यूज दिस टू बूस्ट योर प्रोडक्ट लिस्टेड रैंकिंग एंड बॉन्स फॉर सर्च। ठीक है, हीलियम 10 मैग्नेट इज अ कीवर्ड सर्च टूल डिजाइन टू एस द सर्च फॉर हाई वॉल्यूम। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम जितने भी आपके पास कीवर्ड्स होते हैं उनको सर्च करते हैं। ठीक है, ऊपर जितने भी हमने इस्तेमाल किया सबका भी काम यही होता है, लेकिन हर चीज़ के अंदर कोई ना चीज़ एडवांस है। ठीक है, तो इसका बेसिकली मकसद क्या है, हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स आपको सर्च करके देता है हीलियम 10 मैग्नेट। ठीक है, यू कैन देन, तो आप इस तरीके से कीवर्ड्स सर्च करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट को बूस्ट मिल सकता है हीलियम 10 मैग्नेट को कीवर्ड सर्च टूल को यूज़ करते हुए। ठीक है, यानी अमेजॉन सर्च रिजल्ट में, यानी जब बंदा को अमेजॉन में सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट सर्च होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और ये क्यों यूज़ होता है, और इट हेल्पफुल फॉर अमेजॉन सेलर, तो अमेजॉन सेलर के लिए कैसे हेल्पफुल रह सकता है ये। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप ये चार चार स्टेप लिख सकते हैं, विद इन मैग्नेट यू हैव 2 टाइप ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, आप मजीद डिफाइंड करने के मैग्नेट में आप किस तरीके से हेल्पफुल भी हो सकता है और किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन मैग्नेट यू हैव 2 टैप फॉर कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के अंदर 2 टैप होते हैं, एक तो होता है नाउ डेट यू हैव योर मार्केट प्लेस, आप मार्केट प्लेस सेट कर लेते हैं। डेट सपोज अगर आपने UAE में सेंड करना है सर्च करना है, आपने USA में सर्च करना है, तो आप दोनों कोई सी मार्केट प्लेस चेक कर सकते हो। ठीक है, एंटर यू कीवर्ड्स इन द सर्च फिल्टर, कोई भी आप कीवर्ड्स पर सर्च करना चाह रहे हो आप डालते हो एंड सेलेक्ट गेट कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स आपको ढेर सारे मिल जाते हैं, तो आप इसमें से कुछ भी चूज करके सर्च कर सकते हो। ठीक है, सर्च रिजल्ट विल पॉपुलेट अ लार्ज नंबर ऑफ कीवर्ड्स एट द बॉटम। ठीक है, यानी आपको बॉटम पे ढेर सारे कीवर्ड रिसर्च सर्च करके दे देगा विद इन अ पर्टिकुलर मार्केट प्लेस, तो ये फ़ायदा है इसका विद इन अ मैग्नेट में। ठीक है, एक पर्टिकुलर आप मार्केट प्लेस के जरिए उस मार्केट प्लेस में आप कीवर्ड रिसर्च सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। ठीक है, तो अब उम्मीद है आप लोग के समझ आ गया होगा, मजीद आप चाहें तो नेट से इसको और सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे हम लोग आ जाते हैं, वो कह रहे हैं वाई वी यूज़ गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट इससे पहले मेरे एक्सेल में था या नहीं था, लेकिन गूगल ट्रेंड्स मेरे कैसे एसयू में था। ठीक है, तो गूगल ट्रेंड्स क्या है, क्या क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, गूगल ट्रेंड इज एन ऑनलाइन सर्च टूल डेट अलाउ द यूजर टू सी हाउ ऑफन स्पेसिफिक कीवर्ड्स सब्जेक्ट एंड फ्रेजेस हैव बीन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, गूगल ट्रेंड एक वाइड ट्रेंड टूल है जिसके जरिए आप ट्रेंडिंग में जो कीवर्ड्स चल रहे हैं वो आराम से आप सर्च कर सकते हैं। इवन के आप चाहें तो कंट्री वाइज भी सर्च कर सकते हैं, लेट सपोज पाकिस्तान में क्या कौन से कीवर्ड्स सर्च हो रहे नहीं हो रहा, यूएसए में कीवर्ड सर्च हो रहे नहीं हो रहा, इवन के आप पाकिस्तान के अगर आप सिंध में देखें तो सिंध में के अंदर कीवर्ड हो रहा नहीं हो रहा। तो इस तरीके से बहुत ही ऑप्टिमाइज टूल है ये, तो इसके जरिए आप मेरी ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है, जैसे यूट्यूब पे कोई चीज़ वीडियो ट्रेंड में चलती है तो ट्रेंडिंग में जो चीज़ चल रही होती है आप लोग काफ़ी आसानी हो जाती है सर्च करने में, आप इस्तेमाल करते हैं और चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। तो गूगल ट्रेंड्स एक पावरफुल सर्च मतलब टूल है, इसके जरिए आप रिसेंट ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है आराम से सर्च कर लेते हैं। तो यही मकसद होता है गूगल ट्रेंड्स का, तो उसको पढ़ लेते हैं। गूगल ट्रेंड्स अलाउ यूट्यूब कस्टमाइज सर्च डाटा बाय रीजन, ठीक है, बाय रीजन के जरिए, ठीक है, बाय टाइम पीरियड, कैटेगरी, टाइप ऑफ सर्च। ठीक है, कैटेगरी बहुत मेन चीज़ इसके अंदर, यू कैन ऑल्सो कंपेयर सर्च टर्म अगेंस्ट, इवन के आप तो दूसरे कीवर्ड्स के अगेंस्ट भी आप सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज कीवर्ड्स है सैमसंग मोबाइल, ठीक है, सैमसंग मोबाइल को भी मॉडल है A2, आप कंपेयर में आप को ऐसा इन्फिनिक्स का भी S4 सर्च कर सकते हैं, यानी दोनों कंपेयर कर सकते हैं दोनों में क्या है। तो ये भी बहुत अच्छा, इवन के तीन चीज़ें भी आप कंपेयर कर सकते हैं, इवन के चार भी कर सकते हैं, चार मॉडल भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है इसके अंदर, ठीक है, यू सी हाउ ईच फेयर अमंग डिफरेंट ऑडियंस। ठीक है, तो इनकी डिफरेंट ऑडियंस क्या है, एज वेल एज एक्सेलरेटेड टूल्स ऑफ गूगल ट्रेंड्स सर्च विद द स्पेसिफिक टर्म। ठीक है, तो स्पेसिफिक टर्म पर आप जाके उसको आराम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली फ़ायदा होता है गूगल ट्रेंड्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं, तो वे कह रहे हैं प्लीज सर्च द कीवर्ड्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इन गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, प्लीज सर्च द कीवर्ड्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी ऑफ द फॉलोइंग मतलब तीन कीवर्ड्स दिए गए हैं, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं गूगल ट्रेंड में। ठीक है, एंड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स एदर दे आर इन ट्रेंडिंग और गुड टू गो। ठीक है, तो आपने इनमें से तीन में से कोई एक कीवर्ड्स है वो आपने लेना है, गूगल ट्रेंड्स पर जाना है, अपलोड करना है और सर्च करके अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है कि इस कीवर्ड्स में क्या है, कि ट्रेंडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो यही था आपका असाइनमेंट, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, मैंने इसमें से मैंने मेंशन किया कि आई चूज़ स्विमिंग पूल। ठीक है, तो मैंने स्विमिंग पूल चूज़ किया है तो मुझे थोड़ा बेहतर लगा। ठीक है, यू कैन सी इन गिवन स्क्रीनशॉट, मैंने नीचे स्क्रीनशॉट दिया, आप देख सकते हैं कीवर्ड स्विमिंग पूल सर्च इन पाकिस्तान डिफरेंट प्रोवेंसेस। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोवेंसेस में ये 100% मतलब 100% कैपिटल में सर्च किए गए हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में सर्च हो रहे हैं, पहले मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि ये मैंने लिखा हुआ है पाकिस्तान और मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पास्ट 7 days। ठीक है, और इसके अंदर ऑल कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट की हुई है, अभी मैं इसको जगह और एडवांस करूँगा। आप ग्राफ देख सकते हैं ऊपर नीचे आ रहे हैं और रिसेंटली ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर नीचे 19-20 है ये। सबसे ज़्यादा सर्चेस कहाँ पर, इस्लामाबाद कैपिटल में 100% है। अगर आप इस्लामाबाद की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो ये अच्छा कीवर्ड्स है। अगर आप सिंध की बात करें तो सिंध में भी कर सकते हैं, इतना बुरा नहीं है, 70% है। आप बलोचिस्तान में कम है, पंजाब में कम है। तो इस तरीके से पाकिस्तान में रह के आप कौन से सूबे में क्या सर्च हो रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं। तो एज ए इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मेरे रास्ता, अगर आप केवीपी में सॉरी इस्लामाबाद में सर्च करना चाह रहे हैं तो ये बेहतरीन है। इसके अलावा भी सिंध में भी बुरा नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन आप आगे आएँ तो ठीक है। मैंने मेंशन किया हुआ है वो चीज़ जो आपको ग्राफ में एक्सप्लेन की हुई है, तो सिंध में इतना है, इस्लामाबाद में इतना है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम प्रोडक्ट रिलेटेड टू स्विमिंग पूल, ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट स्विमिंग पूल के रिलेटेड बेचना चाह रहे हैं तो आप कैपिटल में भेज सकते हैं। ठीक है, इन पास 7 days तक ग्राफ अप एंड डाउन बट रिसेंट इज ग्रोइंग, ठीक है, रिसेंटली ग्रोइंग कर रहे हैं आप पास 7 days का रिजल्ट आप आ गया है। बट इफ़ वी मोर स्पेसिफिक इन कैटेगरी ऑफ शॉपिंग सो इट्स नॉट गुड, यू कैन सी ए स्क्रीन शॉट इफ यूर टारगेटिंग सेन बाइट यूज फुल फॉर टारगेट गेम बिकॉज डिपेंड अपॉन हाउ। ठीक है, तो अब आप देखें मैंने नीचे स्क्रीन शॉट प्रोवाइड किया है, इसमें देखें मैंने सर्च किया है पास 30 days और शॉपिंग कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। जब जैसे ही मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की वो देखें ग्राफ कितना लो आ गया, तो पता चला कि अब आप शॉपिंग में कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं पूल से मिलता जुलता है। तो आप देखें केपीकी में ही सबसे ज़्यादा सर्चेस हुई है उसकी, आप देख सकते हैं आप ज़्यादा बोल्ड हुआ है। तो सिंध में 61%, यानी इतना फ्लो नहीं है, पंजाब में बिल्कुल ही नहीं है। तो केबीके में आप टारगेट कर सकते हैं कीवर्ड्स केबीके में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो केबीके में ये बहुत एडवांस है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो नहीं है ये। ठीक है, तो आप डिपेंड करते हैं कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, कौन सा सिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको होपफुली ये चीज़ अंदाज़ा हो गई होगी। अब स्विमिंग पूल के अलावा अगर उन्होंने कीवर्ड दिया था आपको क्लोरीन,
स्केट बोर्ड, तो ठीक है क्या पता है ये केबी के में इतना मशहूर ना हो, सिंध में मशहूर हो, ठीक है। तो इस तरीके से गूगल ट्रेंड का हमारा ये मकसद होता है सर्च करने का, तो आप लोगों को लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो चल रहा होता है आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा गया था कि आपने डिफेंड करना है कि जो कीवर्ड्स है एक गुड है या नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको डिफेंड कर दिया, अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान पर जा रहे हैं ठीक है तो फिर अच्छा है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में जा रहे हैं तो देखें तो आपके जैसे अच्छे नहीं, तो आप लोगों को मज़ीद डिटेल्स में ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री में सर्च करना चाह रहे हैं तो सारी चीज़ें देखते हुए आपने यहाँ मेंशन करना है। तो आप अगर आप लेट सपोज अगर आप ये केबीके में सेल करें तो आप कह सकते हैं जी इस ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फॉर केबीके के, बट अगर आप सिंध में सेल करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स इन सिंध। तो इस तरीके से आप कोई भी अपने अल्फाज में बैन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ग्राफ दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग को आइडिया हो जाए किस तरीके से आप गूगल ट्रेंड को इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए आप किस तरीके से कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो कैंडल लाइक करें, कमेंट करें, उसे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।